मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बल्कि 7:45 बज रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे एक नए और फ्रेश ब्लॉग में। आज सुबह का मैं ब्लॉग स्टार्ट किया हूँ। इसके पहले मैं मॉर्निंग में पहली बार ब्लॉग कभी कभी किया नहीं हूँ, तो आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सुबह से ब्लॉग। कोशिश रहेगी कि मैं डेली ब्लॉग डालूँ, कोशिश रहेगी। अगर किसी कारणवश नहीं डाल पाया तो उसके बाद कुछ कह नहीं सकता। सरकार तो लॉकडाउन नहीं लगा रही है, लेकिन हम लोगों ने खुद से हाथ से लॉकडाउन लगा रखा है। ये हमारे घर के पीछे का पोर्शन है, आगे का पीछे कुछ थोड़ी सी ज़मीन है जिसपे थोड़ी बहुत सब्जियों की खेती और इस तरह की हरी भरी चीज़ें आप देख सकते हैं। थोड़ा सा एरिया है, इसमें सभी तरह के पेड़ हैं। ये सब फूल के पेड़ हैं जिसे हम गुड़हल कहते हैं। पीछे में ये पेड़ लीची का है और इधर आंवले का पेड़ लगा हुआ है। जो पेड़ लगाया तो गया था लेकिन ये फलता नहीं है, क्योंकि कम एरिए में ये पेड़ लगे हुए हैं जिसके चलते इसका विकास नहीं हो पा रहा है। ये धनिया लगा हुआ है, ये धनिया का पौधा है और इधर थोड़ी सी भिंडी भी लगी हुई है। साथ में इधर भी खेती हो रही है सब चीज़ की। इधर लग रहा है हम लोग को अपने यहाँ को बोधी कहते हैं, बोधी का पेड़ है। ये सब गर्मियों का सब्जी है, थोड़ी वो छेद एरिया बचा हुआ उसमें हम लोग लगा रखे हैं। ये टमाटर का पौधा जो कि अभी कच्चा है। बहरहाल ये सब जो खेती आप देख रहे हैं, इसकी खेती हम तो नहीं करते हैं, हमारे बड़े भाई साहब और पिताजी ये दोनों लोग मिल कर के ही इसको देखते हैं। लगा रखा है, इधर फूल लगे हुए हैं, गुड़हल का फूल है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कम जगह में अधिक पौधे लगने होने के कारण किसी में फल अभी आ नहीं रहे हैं। पौधे बहुत बड़े बड़े हो गए हैं लेकिन फल अभी किसी में आ नहीं रहा है। ये देखिए, ये भी पौधा है। तो चलिए अब चलेंगे, थोड़ा सा दाढ़ी बड़ी हुई है उसको शेविंग करेंगे, इसके बाद फिर जा करके आज का आपको डेली का ब्लॉग कोशिश करेंगे दिखाने का। शाम के 6 बज रहे हैं, सूरज लगभग लगभग अस्त होने वाला है।
डेली का रूटीन यही है, सुबह का जो थोड़ा सा रूटीन था उसको मैंने आपको दिखाया, और अब यही रूटीन रहेगा। तो यहाँ बैठे हुए थे तो हमें लगा कि आज टाइम लैप्स बना दिया जाए, और मैंने टाइम लैप्स के लिए लगा दिया है। सूरज अस्त हो चुका है। व्यक्ति अगर अपने डेली रूटीन से हट कर के अगर काम करता है तो उसे फिर समझ में नहीं आता कि आखिर क्या करे। इसलिए कि आदमी जब डेली रूटीन में रहता है तो उसको समझ में आता है कि उसका प्रॉपर वर्क क्या है। एक रास्ता बीच से ये पगडंडी होके जाता है और एक रास्ता उधर से ये मेन रोड है। हम बीच रास्ते को पकड़े हैं। आप लोग से एक मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि अगर आप यूपी से मेरा वीडियो देख रहे हैं तो ज़िले का नाम डाल दीजिएगा, और अगर यूपी के बाहर से अगर आप देख रहे हैं तो स्टेट का नाम डाल दीजिएगा। पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, लेकिन एक अंदाज़ मिलेगा कि मुझे ये वीडियो लोग मेरा कहाँ कहाँ तक देख रहे हैं। बस एक ये चाल जानना चाहते हैं कि वीडियो मेरा कहाँ तक पहुँच रहा है। तो यही एक आज की छोटी सी दिनचर्या है। इसी तरह के छोटे छोटे से ब्लॉग आपके सामने डालते जाएंगे। ब्लॉग अच्छा लगे तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए से वीडियो में। धन्यवाद।